मैंने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस थे उनके लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने सीखे थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग, यानी हम जो अपने घरों में वायरिंग कराते हैं उन वायरिंग्स में सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या कमियां है और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की क्या अच्छाइयां या क्या खूबियां है, एडवांटेजेस क्या है वो हम देखें। चलिए देखते हैं, चार चार पॉइंट्स है ये हमें याद करने हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से हम लर्न कर लेंगे, इस तरह से आप इसको टेबल बना के लर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या है पॉइंट, इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग देन द होल सर्किट स्टॉप्स वर्किंग। इन केस ऑफ सीरीज सर्किट क्या होगा, अगर एक अप्लायंस वर्क करना बंद कर देता है तो क्या होगा, पूरा का पूरा सर्किट ही बंद कर देगा काम करना। तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग अदर अप्लायंसेस कीप ऑन वर्किंग, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या देखेंगे कि अगर एक अप्लायंस किसी वजह से खराब हो जाता है तो क्या होगा, वहां पर बाकी के अप्लायंसेस प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, वहां क्या होगा, अगर एक अप्लायंस खराब हुआ तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है और कोई भी अप्लायंस वर्क करना बंद कर देगा, कोई भी अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। चलिए अगला देखते हैं, वी कैन नॉट सप्लाई इंडिविजुअल स्विचेस टू एवरी अप्लायंस। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितने भी अप्लायंसेस हैं उन सबको एक ही स्विच से चलाया जाएगा। अगर आपने एक स्विच बंद कर दिया है, आपने मान लेते हैं हमारे पास दो या तीन अप्लायंसेस हैं, मान लेते हैं एक यहाँ पर हम बल्ब यूज कर रहे हैं, एक फैन और एक टीवी यूज कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारे पास हम एक स्विच लगा देते हैं। सपोज मान लेता हूं मैं स्विच यहां पे लगा दे रहा हूं, ठीक, अब ये स्विच ऑन है तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट है और पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सारे अप्लायंसेस चलेंगे। मान लेते हैं हम स्विच को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो स्विच ऑफ करने से क्या होगा, जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं तीनों के तीनों, तीनों में ही करंट जाना रुक जाएगा, तो तीनों के तीनों अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। यानी कि एक ही स्विच पूरे सर्किट को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास इंडिविजुअल जो अप्लायंसेस हैं उनको अगर हम अलग अलग स्विच प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो पूरा सर्किट ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, सारे अप्लायंसेस जो है वर्क करना बंद कर देंगे। तो सीरीज के केस में हम अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग स्विच प्रोवाइड नहीं कर सकते, जबकि ऐसा पैरेलल के केस में नहीं होता है। पैरेलल केस में क्या होगा, एवरी अप्लायंस कैन बी सप्लाइड इट्स ओन स्विच, हर एक अप्लायंस को हम अलग स्विच दे सकते हैं और उससे फिर क्या होगा, दूसरे अप्लायंस के वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अगर हमारे पास एक सपोज ये है और एक ये है, एक इस तरीके से हमने तीन अप्लायंसेस यूज करे हैं, हमने क्या किया, तीनों में एक एक स्विच लगा दिया है और अब हम करंट फ्लो करा रहे हैं, इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक। तो यहां पे देखिए अगर ये तीनों अप्लायंसेस को हमने स्विच दे दिया है तो जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरह से होगा, इस पॉइंट पे आगे क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, कहां कहां, इधर इधर और इधर, ये तीन रास्तों में बढ़ गया। तो ये तीन रास्तों से होता हुआ करंट जो है कहां जाता है, देखिए ऐसे निकलेगा, इस तरह से होता हुआ करंट जा रहा है और ये सर्किट को कंप्लीट कर। अगर हमारे पास मान लेते हैं बीच वाला जो है इसका स्विच हमने बंद कर दिया, बीच वाले अप्लायंस, तो उससे क्या हुआ, क्या करंट का जो रास्ता है वो कहीं से ब्रेक हुआ, केवल इस वाले हिस्से में करंट नहीं जा रहा है, देखिए ऊपर की तरफ से होता हुआ करंट बाहर आ रहा है, वापस सर्किट में घूम रहा है, और नीचे की तरफ से भी करंट जो है वो सर्किट में पूरे में घूम रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों अप्लायंस की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या देखा कि हमने ये बीच वाला अप्लायंसेस को बंद करना चाह रहे थे, इसका स्विच हमने ऑफ कर दिया, बाकी के दो बचे हुए हमारे यूज हो रहे हैं। यही चीज हम घर में देखते हैं, अगर हमारे पास किसी रूम में टीवी भी है और हम उसी रूम में लाइट्स भी जला रखी है हमने और फैन भी है, हम चाह रहे हैं कि लाइट जो है ऑफ कर दें, तो क्या होगा, हम एक स्विच दबाते हैं और लाइट ऑफ हो जाती है, लेकिन हमारा टीवी और हमारा जो फैन है वो प्रॉपरली वर्क करता रहता है, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। तो
तो क्या होगा, हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हम हर एक अप्लायंस को अलग अलग स्विच प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बेनिफिट है, एक हमारे पास एडवांटेज है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है, अलग अलग अप्लायंस होगा उसको अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। जबकि हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं डोमेस्टिक, उनको सभी को क्या चाहिए, लगभग 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। अब 220 वोल्टेज सपोज हमारे पास बाहर से लाइन से आ रही है घर में, और वो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर रखा है घर में मान लेते हैं, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी, सबको 220 नहीं मिलेगी, 220 के टुकड़े होकर मिलेंगे, तो जो हमारे अप्लायंसेज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वो खराब हो जाए। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था वहां क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, वोल्टेज सबको एक सी मिलती है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो वोल्टेज हमारे पास यहाँ होगा वही वोल्टेज तीनों अप्लायंसेस को मिलेगा। तो अगर 220 वोल्ट की सप्लाई बाहर से आ रही है तो सभी अप्लायंसेस को 220 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक, और हमारे जो जितने भी अप्लायंसेस वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। ये तीसरा एडवांटेज हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस द करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, हाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो, अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से करंट का अमाउंट जो होगा क्या होगा, घट जाएगा। अप्लायंसेस के पास जो करंट पहुंचेगा वो बहुत कम पहुंचेगा। मान लिया इस तरह से हमने करंट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हुई है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और हम फैन चला रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फैन क्या होगा, हमारा बहुत स्लो चलेगा। ऐसे जो बल्ब होंगे उनकी रोशनी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम जोड़ते हैं तो। क्यों क्यों कम होगी, क्यों फैन की स्पीड कम हो जाएगी, लाइट कम क्यों होगी, क्योंकि जो करंट का अमाउंट है वो घट जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है। जबकि पैरेलल के केस में क्या होगा, वहां पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो घट जाता है, और उसके घटने से क्या होगा, करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में वो बढ़ जाएगा, और प्रॉपर अमाउंट में जितना किसी अप्लायंस को चाहिए उतना पहुंचेगा, तो फैन भी प्रॉपरली चलेगा, तेज चलेगा, और जो लाइट होती है वो भी जोर से जलेगी, लाइट से तेज जलेगी, उसकी चमक अच्छी होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने देखा है एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लर्न कर सकते हैं, इस टेबुलर फॉर्म में आप एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखेंगे और उसके फॉर्मूले जो है वो देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।